कृष्ण कन्हैया लाल की श्री सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री पाँच पुरी धाम की गुरु आचार्य श्री अक्षराठ कृष्ण मणिजी महाराज की परमहंस बाबाजी लक्ष्मीदास महाराज की परम पूज्य आचार्य महाराज श्री की आज्ञा से आज वीतक प्रशिक्षण प्रारंभ करने जा रहे हैं आप सभी को ज्ञात हो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में विशेष रूप से तारतम सागर ग्रंथ को प्रथम स्थान में रखा जाता है इसी तरह से द्वितीय स्थान में वीतक का स्थान है वितक का महत्व तो हम सभी जानते हैं अब वितक ग्रंथ भी है वितक का अर्थ भी हमें समझना चाहिए वह भी हम समझने का प्रयत्न करते हैं अभी हम इतना ही समझें प्रणामी संप्रदाय में वैसे साहित्य का तो भंडार है उसमें क्या क्या है विशेष रूप से प्रथम तारतम सागर जिसको कुलजम स्वरूप भी बोलते हैं प्राणनाथवाणी भी बोलते हैं अलग अलग नाम से जाना जाता है जिसके अंदर रास से लेकर कयामतनामा तक चौदह अवांतर ग्रंथों का संकलन है और वहाँ पर प्रकाश गुजराती को पुनः प्राणनाथ जी महाराज ने हिंदी में रूपांतर किया और कलश को भी किया तो इस तरह से और वहाँ कयामतनामा दो ग्रंथ आते हैं तो कुल मिलाकर के सत्रह ग्रंथ होते हैं लेकिन वस्तुतः तो चौदह ही माना जाता है लेकिन गिनती में सत्रह होता है क्योंकि प्रकाश दो है कलश दो और क्यामतनामा दो तो ये प्रमुख रूप से हम वांग्मय की पूजा करते हैं मंदिरों में रख करके प्रथम स्थान तारतम सागर का उसके बाद में वितक का स्थान आता है और वितक भी कई है जैसे हम अभी प्रशिक्षण प्राप्त करने जा रहे हैं इसको लालदास कृत वितक बोलते हैं जो लालदास बीतक के नाम से प्रसिद्ध है और उसके बाद में कई सारे बीतक हैं जैसे सर्वाधिक प्रचलित बीतक में लालदास जी के बाद में वृतांत मुक्तावली है बड़ी अच्छी बीतक है ये ब्रजभूषण महाराज कृत बीतक है और उसके बाद में लीलारस सागर है जिसको सन्ह सखी ने रचना की थी उसके बाद में फिर वाणी वितक नौरंग वितक भी, भी, भी बोलते हैं नवरंगवाणी भी बोलते हैं तारतम सागर वितक जो करुणा सखी जयराम भाई की रचना है इसी तरह से लल्लू जी भट्ट कृतक वितक गुजराती में जिसको वर्तमान दीपक के नाम से प्रचलित है अलग अलग इस प्रकार के पद्य में वितक है तो वहीं पर गद्य में भी निजानंद चरितामृत वितक पूरे प्रणामी समाज में प्रचलित है तो अलग अलग विशिष्ट महानुभाव परमहंसों ने वित्तकों की रचना की है लेकिन मूल में लालदास कृत वित्तक लालदास वित्तक को मध्य में रख करके उसी को प्रमाण मान करके उसी को आधार मान करके सभी महानुभावों ने सभी परमहंसों ने वितक की रचना की है अब यह तो द्वितीय स्थान जिसका है उसकी बात हुई विशेष रूप से पांच पंच पुष्प प्रणामी समाज में पंच पुष्प के नाम से क्या किन किन को जाना जाता है तारतम सागर वीतख विराट चर्चनी और सेवा पूजा ये पांच वस्तु को पंच पुष्प के नाम से भी जाना जाता है और यदि प्रणामी समाज प्रणामी संप्रदाय को सकृष्ट प्रणामी धर्म को पूरी तरह से जानना हो तो तारतम सागर को पूरी तरह से जानना हो तो बीतक समझना अति आवश्यक है और उसके बाद में चर्चनी विराट सेवा पूजा समझना आवश्यक है उसके बाद में दर्शनों में हम पहुंचते हैं यह तारतम सागर में उसके बाद ही तारतम सागर का गुणतम अर्थ हमें समझ में आ सकती है तो हम आज बात कर रहे हैं बीतक की अब यह बीतक लालदास कृत बीतक में हम प्रवेश करते हैं तो यह बीतक है क्या बीतक शब्द कैसे प्रचलन में आया ये भी समझना जरूरी है बीतक शब्द है ना बीतक शब्द हिंदी शब्दकोश का नहीं है आप सभी को ज्ञान हो हिंदी शब्दकोश का ये शब्द नहीं है यह गुजराती शब्दकोश में मिलता है आज भी ग्रामीण इलाकों में बीतक यह शब्द लोग प्रयोग करते हैं उसको इस तरह से प्रयोग करते हैं कि मेरी बीतक मारी वीतक एवीज है तो मेरी बीतक इस प्रकार की है तो वो बीतक शब्द का यहाँ तात्पर्य यह है वृत्तांत वृत्तांत के अर्थ में वीतक यह एक घटित घटना के अर्थ में वृत्तांतक के अर्थ में कहानी के अर्थ में कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं जो घटी हुई कहा घटित कोई भी किसी भी कहानी है अपने जीवन के ऊपर घटी घटना है उसको गुजराती में वीतक शब्द से प्रयोग करते हैं आज भी आज के न्यू जेनरेशन तो यह शब्द बहुत कम प्रयोग करते हैं लेकिन अधिकांश वृद्ध लोग आज भी ग्रामीण इलाका में हैं तो वे लोग आज भी वीतक शब्द प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है यह हिंदी शब्दकोश का शब्द नहीं है वीतक गुजराती शब्द है क्योंकि प्राणनाथ जी महाराज भी मूलतः गुजरात में उनका प्राकट्य हुआ लालदास जी महाराज भी मूल रूप से गुजराती थे इसीलिए उन्होंने गुजराती शब्द ही प्रयोग किया बीतक अब इसको विद्वान लोग अलग अलग रूप से अर्थ करते हैं बीतक क्या है तो एक तो वही वृत्तांत अब हम कैसे समझे किस प्रकार का वृतांत यह बीतक में यह वृत्तांत है कि परमधाम का वृतांत है ब्रज का वृतांत है रास का वृतांत है और यह जागनी ब्रह्मांड का वृतांत है और वही घटनाएं, वह लीलाएं इस बीतक में अंकित है तो बीतक यह वृत्तांत है और इसको अलग ढंग से हम समझने का प्रयत्न करें तो यह भी गुजराती शब्द होने से हम यह भी बोल सकते हैं वीतक मतलब गुजराती में तक शब्द प्रयोग करते हैं तक का मतलब होता है अवसर अपॉर्चुनिटी इसको गुजराती में क्या बोलते हैं तक तक मड़ो तक मिलना मतलब गुजराती में तक का अर्थ होता है अवसर तो अब हम इसको अपने ढंग से समझने का प्रयत्न करें तो यह भी समझ सकते हैं कि वी तक वी उपसर्ग है तक है वो अवसर के रूप में और उसमें वी उपसर्ग लगा दे तो क्या होता है वी तक विशिष्ट अवसर विशिष्ट अवसर सुंदर अवसर श्रेष्ठ अवसर किसके लिए आत्म जागृति के लिए आत्म जागृति का जो अवसर प्रदान करने वाला जो ग्रंथ है उसको वी तक कह सकते हैं तो इस तरह से अलग अलग रूप से समझने का प्रयत्न करते हैं यह तो एक प्रवचन कथा के समय में यह हम समझ सकते हैं लेकिन अभी प्रशिक्षण के हिसाब से जाएं तो इतना ही समझें यह वृत्तांत है बीतक और समाज में विशेष रूप से सात आठ बीतक प्रचलित है और छोटे बड़े तो सत्रह अठारह बीतक समाज में हो हुए अभी कथानक के रूप में एक बीतक मोहन प्रियाचार्य जी महाराज द्वारा जो कथानक के रूप में आ, संग्रहित बीतक है वित्तक विमर्श वह भी विमर्शा, वो समाज में अच्छा उसकी भी प्रचलन है तो इस तरह से अलग अलग रूप से महानुभावों ने वित्तक की रचना की है तो हम वित्तक श्रवण क्यों करें तो क्या आवश्यकता है देखिए कोई भी ग्रंथ हम श्रवण करते हैं कथा श्रवण करते हैं जैसे भागवत श्रवण करते हैं तो भागवत की भी महिमा बताई जाती है पहले है ना तो हम इतने महीनों वर्षों लगा करके के ये तक तालीम लेते हैं प्रशिक्षण लेते हैं सुनते सुनाते हैं इसका क्या फायदा है कुछ फायदा हो तब सुनाए और सुने फायदा क्या है तो फायदा स्वयं लालदास जी महाराज बीतक में बताते हैं इसका फायदा यह है देखो कि वीतक सुनने का फायदा है विरोध सारा विश्व का भागत इन वितक का बड़ी सुंदर चौपाई है विरोध सारा विश्व का भागत इन वित्तक का तो विश्व में जो विरोधाभास है भगवान के नाम पर हो किसी भी रूप में हो विरोध चल रहा है आपसी संघर्ष चल रहा है लालदास जी महाराज कहते हैं यदि बीतक समझा जाए बीतक को आत्मसात किया जाए तो सारे विरोध वो मिट जाते हैं सारे विरोध है वो छट जाते हैं को जब ज्ञान प्राप्त होता है तब फिर कोई अपना नहीं कोई पराया नहीं सब आत्मभाव से एक ही है तो बीतक क्या करेगा अंतर हृदय में सबके विरोधाभास बैठा हुआ है को दूर कर देगा सब हृदय को प्रकाशित कर देगा प्रेम प्रकट कर देगा प्रेम प्रकट होते ही परमात्मा के दर्शन होंगे परमात्मा के अनुभव होंगे तो फिर सब ही आत्मभाव से एक ही है या कोई तेरा मेरा झीझ झगड़ा आपसी खींचा खींच कुछ भी नहीं होगा आत्म जागृति हो जाएगी शोक पहचान स्वस्वरूपावस्था में बहु प्रतिष्ठित हो जाएंगे इसीलिए वो इतभी धन्न धन्य उतभी धन्य धन्न धन्य ये धन्य ये बीतक की महिमा है बीतक की महिमा तो अनेक है अभी इतना ही समझें कि बीतक सुनने का सुनाने का बीतक समझने का यह फायदा है कि हम ज्ञान के प्रकाश ज्ञान का प्रकाश है हम प्राप्त कर सकते हैं हम अज्ञानावस्था में हैं तो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा बीतक के माध्यम से आत्मा क्या है परमात्मा क्या है संसार क्या है भरतार क्या है जगत क्या है जगदीश्वर क्या है ये सारी वस्तुएं बीतक से हमें जानकारी मिलती है सत्यासत्य विवेक होता है छीर नीर का विवेक निरूपण कर सकते हैं बीतक के माध्यम से इसलिए बीतक सुनना सुनाना पढ़ना पढ़ाना अति आवश्यक है यह बीतक की महिमा है अब बीतक रचना किसने की बीतक की रचना पहले भी हमने श्रवण की यह लालदास कृत बीतक नाम से ही हमें पता चलता है बीतक की रचना है लालदास जी महाराज ने की लालदास महाराज कौन थे कि लालदास महाराज थे प्राणनाथ जी महाराज के प्रमुख शिष्य जैसे सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के अनेक शिष्य हुए उसमें प्रमुख शिष्य कौन थे प्राणनाथ जी महाराज इसी तरह से प्राणनाथ जी महाराज के शिष्य हजारों थे उनमें प्रमुख रूप से कौन थे लालदास जी महाराज थे उनकी रचना है लालदास वीतक अब यह रचना कब की उन्होंने यह रचना की विक्रम संबत सत्रह सौ इक्यावन श्रावण कृष्ण पंचमी से लेकर के भाद्र कृष्ण अष्टमी पर्यंत यह वित्त तक की रचना उन्होंने की और इसको गुजराती तिथि के हिसाब से हम समझें तो आषाढ़ कृष्ण पंचमी से श्रावण कृष्ण पंचमी गुजरात के हिसाब से यह ज्योतिषीय गणना के आधार पर गुजरात में और अन्य उत्तर भारत में ये थोड़ा सा महीना का फर्क है पंद्रह दिन का फर्क है ये इसीलिए कि गुजरात में जैसे देश के प्राय सभी स्थानों में संक्रांति मतलब पूर्णिमा से संक्रांति या पूर्णिमा से महीना का प्रारंभ तिथि गणना करते हैं तो गुजरात में क्या करते हैं कि कृष्ण पक्ष अमावस्या से महीना का प्रारंभ करते हैं तिथि प्रारंभ करते हैं इसीलिए ये पंद्रह दिन का अंतर होता है सभी को कन्फ्यूज रहता है सभी जो वितक सुनने वाले सुनाने वाले ये हमेशा यह शंका में रहते हैं कि ऐसा क्यों गुजरात में आषाढ़ और गुजरात बाहर श्रावण कैसे संभव होता है ये तिथि की गणना के आधार पर है पंद्रह दिन का फर्क होता है तो इस तरह से गुजरात बाहर इसको इस तरह से समझें श्रावण कृष्ण पंचमी से भाद्र कृष्ण अष्टमी पर्यंत इसकी रचना और गुजरात के हिसाब से आषाढ़ कृष्ण पंचमी से श्रावण कृष्ण अष्टमी वहाँ तक यह तक की रचना मानी जाती है तो कैसे उन्होंने रचना कैसे की क्योंकि की, किसके आज्ञा से की तो यह भी समझे जब प्राणनाथ जी महाराज सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की आज्ञा से श्रीपाच नौतनपुरी धाम से जागनी यात्रा में प्रस्थान करते हैं विभिन्न स्थानों में वो यात्रा करते हैं पैदल यात्रा करते हैं जलपोत में यात्रा करते हैं और कभी किसी गाढ़ा वगैरह तत्कालीन समय में जो भी सुविधा थी उस हिसाब से यात्रा करते हैं देश विदेश में आज के समय से आ, कई स्थान पाकिस्तान में हैं कई स्थान इराक में कई स्थान ईरान में इस तरह से भारत के बाहर भी वो यात्रा करते गए और यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों में पहुँचे उसी में नगर पहुँचे अभी नगर पाकिस्तान में आता है भारत का बंटवारा हुआ ठठानगर नगर पाकिस्तान में आता है तो वहाँ पर जैसे चिंतामणि जी जो कबीर संप्रदाय के प्रतिष्ठित विद्वान थे संत थे चिंतामणि जी वहीं पर जागृत हुए फिर उसके बाद में लालदास जी महाराज जिनका पूर्व नाम क्या था लक्ष्मण सेठ था पूर्वाश्रम का नाम था लक्ष्मण सेठ फिर बाद में प्राणनाथ जी महाराज ने उनका नामकरण क्या कर दिया लालदास क्यों लालदास किया कि लाल बोलते हैं परमात्मा को लाल बोलते हैं ब्रह्म को लाल बोलते हैं कृष्ण को है ना जैसे लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल तो लाल परमात्मा के लिए बोलते हैं तो लालदास महाराज लक्ष्मण सेठ का नाम लालदास इसीलिए रखा जैसे उनके आत्मा जागृति हुई तो वे पूर्ण रूप से परमात्मा के दास बन गए परमात्मा के सेवक बन गए तो उनके भाव उनके समर्पण आदि को देख करके प्राणनाथ जी महाराज ने उनका नाम ही परिवर्तन कर दिया लालदास मतलब परमात्मा का सबसे निकट का सेवक समर्पित सेवक वो लालदास वो जागृत हो गए प्राणनाथ जी महाराज जागनी यात्रा में आगे बढ़े सूरत पहुँचे उधर श्री राजी को कुछ करवाना था प्राणनाथ जी महाराज के साथ किसी एक सशक्त और समर्पित शिष्य की भी उनको जरूरत थी तो राज्य महाराज ने लालदास जी महाराज को किसी भी तरह से अन्य जो व्यापार व्यवसाय को किसी सांसारिक दृष्टि से व्यवधान में डाल दिया और प्राणनाथ जी महाराज के चरण में लालदास जी महाराज को पहुंचा दिया तो वहाँ स्वयं लालदास जी बोलते हैं लालदास संग चले खाली लेकर हाथ सूरत में जैसे प्राणनाथ जी से मिले तो लालदास जी के साथ में कुछ भी नहीं था खाली हाथ लेकर के प्राणनाथ जी महाराज के चरण में पहुँचे लेकिन आत्मा समर्पित कर दिया जीवन समर्पित कर दिया प्राणनाथ जी महाराज के चरण में और वहां से सूरत से लेकर के अब एक दिन भी अलग नहीं होते जहाँ जहाँ यात्राएं होती है लालदास महाराज साथ में रहते हैं तो इस तरह से विक्रम संबत सत्रह में पन्ना पहुँचते हैं अब पन्ना पहुँचने के बाद में वहाँ पर एक धर्म पीठ की स्थापना करते हैं जिसको आज पूरे समाज में श्री पाँच पुरी धाम के रूप में समाज में विख्यात है तो प्रणामी संप्रदाय में प्रमुख रूप से श्री पाँच धाम फिर सूरत में प्राणनाथ जी महाराज ने श्री पाँच मंगलपुरी धाम की स्थापना की फिर उसके बाद में पन्ना में पद्मावतीपुरी धाम की स्थापना की वहाँ पर उन्होंने 11 वर्ष बिताए अब प्राणनाथ जी महाराज ने सोचा अपने समग्र कार्य जो यहाँ संसार में आने का जो विशेष कार्य है वो मेरा पूरा हुआ है अब पुनः परमधाम में अपनी सुरता को लगाना है तो उन्होंने विक्रम संवत सत्रह सौ इक्यावन श्रावण कृष्ण चतुर्थ चतुर्थी के दिन में प्रात लगभग पाँच से सवा पाँच के बीच में अपनी सुरता को परमधाम लगाया तो कहा जाता है तब अनेक सुंदर साथ आत्म बलिदान के लिए तैयार हुए लेकिन प्राणनाथ जी महाराज ने सबको रोका इसी में लालदास जी महाराज भी एक थे क्योंकि वे तो प्राणनाथ जी महाराज को अपना सब कुछ मानते थे आधार मानते थे उन्होंने भी प्राण त्यागने का प्रयत्न किया लेकिन प्राणनाथ जी महाराज ने उनको रोका कि लालदास जी को जिम्मेदारी सौंपी कि लालदास अब आपका एक महत्वपूर्ण कार्य बाकी है मैं वो जिम्मेदारी आपको देता हूँ तो वो पूरी करके फिर आप परमधाम में जागृत हो जाना तो लालदास जी महाराज को प्राणनाथ जी महाराज ने धाम जाते जाते कहा कि प्रणामी इतिहास संपूर्ण जो ब्रज रास एवं जागनी का वृत्तांत पूरा संकलन करके पूरा लिख करके तैयार करो जिससे आगामी सुंदर साथ भविष्य में जागृत होने वाले सुंदर साथ को यह इतिहास का पता चले तो प्राणनाथ जी महाराज की आज्ञा से लालदास जी महाराज ने इस तरह से विक्रम संवत सत्रह इक्यावन श्रावण कृष्ण पंचमी से यह वितक रचना प्रारंभ की और एक महीना पर्यंत उन्होंने इसका लेखन कार्य किया और भाद्र कृष्ण अष्टमी में सिंहासन में भी तक रख करके फिर वे अंतर ध्यान होते हैं अपनी यह लीला संपूर्ण करते हैं तो इस तरह से यहां से अब बीतक रचना शुरू होती है तो उन्होंने बीतक रचना में सर्वप्रथम क्या किया कि मंगलाचरण के रूप में ही सीधा कहा श्री 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 तीनों स्वरूपों की वित्त वहां से शुरू की अब यह समझने जैसा है उन्होंने क्या कहा कि श्री 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 तीन बार श्री कहा और फिर कहा तीनों स्वरूपों की वित्त तीन स्वरूप की वित्तक की बात कही अब इसमें विद्वानों का मानना है कि उन्होंने स्पष्ट तो लिखा नहीं तो विद्वानों का मानना है कि तीनों स्वरूप का मतलब कई विद्वान कहते हैं कि ब्रज रास एवं जागनी यह तीन स्वरूप कई विद्वान मानते हैं कि बसरी मलकी एवं हक की यह तीन स्वरूप कई विद्वान मानते हैं कि श्री कृष्ण सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज एवं महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज यह तीन स्वरूप की भी तक यह मानते हैं तो कई विद्वान यह भी मानते हैं कि तीन स्वरूप का मतलब प्रथम स्वरूप है सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज द्वितीय स्वरूप है श्री प्राणनाथ जी महाराज और तृतीय स्वरूप है छत्रसाल जी महाराज यह भी मानते हैं लेकिन यह तालीम परंपरा में प्रशिक्षण परंपरा में हम इसको सर्वाधिक आत्मसात करते हैं सभी का सबसे अधिक मान्य यह है कि श्री 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 तीनों स्वरूप का भी तक मतलब लालदास जी महाराज ने यह कहा है कि प्रथम श्री मतलब अक्षरातीत धाम धनी श्री कृष्ण जी प्रथम स्वरूप अब इसमें धाम की परम धाम की भी बात आती है ब्रज की बात भी आती है रास की बात भी आती है प्रथम श्री मतलब अक्षरातीत धामधनी श्री राज्य श्री कृष्ण जी की वितक इसमें परम धाम ब्रज एवं रास तीनों समाहित है और दूसरा श्री है सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की जीवन लीला उनकी बीतक और उसके बाद में तीसरा तृतीय श्री है इसका मतलब है महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज तृतीय श्री, और मूलत देखें अब अब हम समग्रता से देखें तो श्री 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 तीनों स्वरूपों की भी तक मतलब संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण जी की ही भी तक है क्यों क्योंकि परमधाम में भी श्री कृष्ण जी है ब्रज में भी वही श्री कृष्ण जी है रास में भी वही श्री कृष्ण जी है और जागनी में भी वही श्री कृष्ण जी सदगुरु जी के रूप में लीला कर रहे हैं वही श्री कृष्ण जी प्राणनाथ जी महाराज के रूप में लीला कर रहे हैं वही श्री कृष्ण जी छत्रसाल जी महाराज के हृदय में बैठ कर के भी लीला उन्होंने की तो सुंदर साथ के हृदय में बैठ कर के भी श्री कृष्ण जी लीला कर रहे हैं तो हम यह मूल रूप से समझ सकते हैं समग्रता में समझ सकते हैं ये संपूर्ण कथा संपूर्ण वितक, वृत्तांत किनकी है श्री कृष्ण जी की ही है तो इस तरह से हम समझ सकते हैं तो ये श्री 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 तीनों स्वरूपों की वितक। तो इस तरह से हम समझें तीन स्वरूप की वितक की बात बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की सतगुरु महाराज की श्री प्राण नाथ प्यारे की श्री पांच नौतनपुरी धाम की जगत गुरु आचार्य श्री कृष्ण मणिजी महाराज की समस्त सुंदर साथ की प्रणाम